अभी मजा आएगा रे बिड़ू। अभी अपनी स्कूटी को हिमालयन की तरह यूज करते हैं। चलो भाई करेंगे करेंगे करेंगे, सत्यानाश हो गया फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग किड़ा। आई एम योर रोहन कश्यप। सो किदा हो सारे? वधिया, आपां भी बहुत वधिया। सो गाइस, दलोजी से पहुंच गया था मैं, कल शाम को पहुंच गया था घर पे। सो थका हुआ था पूरी तरह से, तो आज मैं पूरा दिन रेस्ट ही की हुई है। सो अभी शाम का टाइम हो चुका है, 4 बजने को आ गया और मैं एक बड़ी तगड़ी सी लोकेशन पर जा रहा हूँ। आपको आगे दिखाऊँगा कितनी प्यारी सी लोकेशन है वो। मेरे को मेरा फ्रेंड लेके जा रहा है उस लोकेशन पर, तो अभी आपको आगे दिखाता हूँ। पहले अपने फ्रेंड को यहाँ से पिक करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। वो सामने घर है और सामने आ रहा है वो। शाम उड़िया, हम निकल जाएंगे बीच में से। तो अपने फ्रेंड को ले लिया यहाँ से। यहाँ से उस लोकेशन का कोई 22-23 किलोमीटर दूर है यहाँ से लोकेशन, आपको पहुंच के बताऊंगा। तो पहले बड़ी ज़्यादा धूप निकली हुई थी ना, इसलिए मैं थोड़ा सा शाम को निकला। तो भाई जब बारिश होती है ना, ये पूरा फुल हो जाता है, रोड के ऊपर से पानी निकलता है, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है ऊपर से। अरे यार, गांव से लेके जा रहा है ये तो। गाइस 2-3 किलोमीटर गाँव के बीच में बढ़ गए हैं, पता नहीं कहाँ पर लेके जा रहा है हमें। बस इसने मेरे को इतनी सी बात बताई कि बड़ी सही लोकेशन है, मैंने भी उस लोकेशन पे पहली बार ही जाना है। तो देखते हैं कौन सी लोकेशन है एंड करते हैं उस लोकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर। पूरे पहाड़ी इलाके से निकल के रोड निकलता है ये वाला। सही है, स्कूटी हमारी तगड़ी वाली लीन होते हुए फिर से लेटाएंगे अपनी स्कूटी को। यार रोड तो तगड़े हैं यार भाई, इतने अंदर गाँव में आके इतने अच्छे रोड हैं यार, पता ही नहीं था मेरे को। तो अपने सांबा में भी ऐसी लोकेशनें भी हैं। क्या ऑफ रोड चेक हो रहा है हमारी स्कूटी का, पूरा रोड ही। और यार ये स्कूटी फंस चुकी है हमारी यहाँ पे, रोड ही पूरा ख़राब है। अभी अपनी स्कूटी को हिमालयन की तरह यूज़ करते हैं। चलो भाई तो निकाल दी है, पूरा ऑफ रोड था यार यहाँ तक। जगह का नाम पढ़ लो लोकेशन का, मोरगढ़। यहाँ से भी 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक पूरा ऑफ रोड था एंड यहाँ से ऊपर को रास्ता है। बड़ी तगड़ी लोकेशन है यार ऊपर, अभी भी आगे जाके आपको पूरा दिखाऊंगा। एंड अभी कुछ खाने वगैरह के लिए लेते हैं, फिर चलते हैं हम ऊपर की तरफ। यहाँ पे लास्ट दुकानें हैं, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वाह यार क्या रोड है यार। रास्ते में मेरे को एक इतनी प्यारी सी लोकेशन दिखी है ना, मैं भी आपको वहाँ पे ही लेके चलता हूँ। पता नहीं था अपने सांबा में भी ऐसी लोकेशन होगी। और अभी मैं यार इसके टॉप पे पहुँच गया हूँ एंड टॉप से व्यू दिखाऊँ आपको। तो ओ तेरी भाई साहब, कितना तगड़ा वाला व्यू है यार यहाँ पे। सोचा नहीं था यार अपने सांबा में भी ऐसी लोकेशन होगी कोई। देख रहे हो पहाड़, देखो कितना सेक्सी वाला पहाड़ है, मस्त एकदम। ये लोकेशन हमें रास्ते पे मिली थी एंड अभी इससे भी ऊपर का व्यू आपको दिखाऊंगा मैं। जो ऊपर है फोर्ट है, कोई किला है, मोरगढ़ नाम है किले का, वहाँ पे ले चलता हूँ आपको, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार। एंड जो रास्ते में मुझे लोकेशन मिली थी वहाँ से मैं निकल गया हूँ एंड अभी ऊपर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ओह भाई साहब, क्या ही व्यू है यार, क्या ही व्यू है यार, क्या रोड है यार। पहाड़ को काट के बीच में से रोड निकाला हुआ है, दोनों तरफ पहाड़ है मेरे और बीच में से रोड निकला हुआ है एंड दूर से सामने वो किला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किले के सामने तालाब सा बना हुआ है यार एक। वाह यार, और ये कुछ इस टाइप का किला है मोरगढ़ वाला, खतरनाक लोकेशन, खतरनाक। यहाँ पे मैं उड़ाने वाला हूँ ड्रोन, अभी मजा आएगा रे बिड़ू। एंड आप तो उसे ड्रोन के शॉट देख लो यहाँ पे। Thank you.
गाइस, ड्रोन पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं उड़ रहा। उड़ाने की कोशिश की, थोड़ा सा ऊपर गया एंड बार बार रिकनेक्ट। पता नहीं क्या इशू है, समझ नहीं आ रही। लेकिन लोकेशन तगड़ी है यार, एंड थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट देख लो आप इस किले के। अभी चलते हैं थोड़ा ऊपर की साइड, सो गाइस कुछ ऐसी जगह थी ये मोहरगढ़ की। एंड अभी चलते हैं यहाँ पे आगे जो तालाब है उसके पास चलते हैं थोड़ा। ये तालाब है गाइस यहाँ का, इसकी वजह से ज़्यादा खूबसूरती मेरे को लग रहा है कि किले की है। लोग आते हैं घूमते फिरते हैं यहाँ पे, नहाते हैं एंड आगे मोरगढ़ का एंड पॉइंट है कोई, देखते हैं वो कैसा है। कहते सिर्फ दीवार दीवार ही है वहाँ पे, देखते हैं उसको भी करते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर। सो गाइस ये यहाँ का मोरगढ़ का एंड पॉइंट है, ये है जो भी है यहाँ पे। यार एक बार दो बार स्कूटी गिर गई हमारी, अभी नहीं गिरने देंगे। बड़ा ही ज़्यादा ख़राब है यार रास्ता यहाँ पे। चलो चलो कोई बात नहीं, करेंगे 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 भाई साहब, करेंगे करेंगे करेंगे, ओ भाई करेंगे 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 करेंगे। सत्यानाश हो गया फिर से, गिर गई यार, फिर से गिर गई। चलो सही वाला रोड आ गया हुआ है यार। डर रहता है थोड़ा सा क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी सेफ्टी गेट्स नहीं है यार, ना मेरे पास अच्छी सी बाइक है। स्कूटी पे व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ जितने मेरे से बन रहे हैं। जब YouTube चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा बाइक भी लेंगे, बाइक पे व्लॉग बनाना शुरू करेंगे। तो बस रोड पे आ चुके हैं, तो चलो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो बिना लाइक के बिल्कुल मत जाना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। ऐसे में आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।